हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज है आरव का बर्थडे, सब इसको विश करो। आज आरव का बर्थडे है तो आरव आज पूरे दिन एंजॉय करेगा। पर अभी आरव की पेरेंट टीचर मीटिंग है तो पहले रेडी होके हम आरव का रिजल्ट लेने जाएंगे। उसके बाद पूरे दिन क्या मस्ती करेगा आरव, हम क्या क्या मस्ती करेंगे वो आपको बताएंगे। बोलो 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 ओ बोलो बोलो नो नो हाँ पहले बोलो हेलो गाइस। मैं फिर बंद कर रहा हूँ, बोलो जल्दी से हेलो गाइस। नोनू ने भी बोल दिया, भाई को बर्थडे बोलो। बर्थडे बम बनाएगा नोनू अभी। तो अब हम आरव को लेकर जा रहे हैं उसके स्कूल, उसका रिजल्ट लेने। अब देखो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, उसकी पिटाई होएगी तो क्या आज बर्थडे वाले दिन या नहीं होएगी, सब देखना। मैं दिखाऊंगा आपको इसकी मम्मा इसको पीटेगी या नहीं पीटेगी, रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, है ना नोनू। तो मिलते हैं आज, पूरे दिन मस्ती होगी, पूरे दिन का वीडियो बनाएंगे, वीडियो पूरी देखना और बीच में से स्किप मत करना आप। बाय। सो गाइस, हम आरव का रिजल्ट लेने उसके स्कूल जा रहे हैं। आज उसका रिजल्ट है, पेरेंट टीचर मीटिंग है तो जा रहे हैं। देखो अब उसका रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा या खराब आएगा, उसकी मम्मी उसमें धमाके बजाते हुए लाएगी बर्थडे वाले दिन ही या प्यार से लेके आएगी, तो अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। आरव थोड़ा सा घबराता हुआ, अरे टेंशन हो रही है बेटा रिजल्ट की, बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, आज इसका बर्थडे, आज इसके रिजल्ट आ रहा है। नोनू नोनू बोलो हेलो गाइस, पहले बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, आज नोनू बर्थडे नहीं है, भाई बर्थडे है। तो आज बेचारे के बर्थडे वाले दिन ही रिजल्ट आ गया, कितना बुरा हुआ उसे, सुबह से बर्थडे इंजॉय भी नहीं कर पाया। अब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद टेंशन फ्री होएगा। आरव देखो, आरव ने पीछे मुंह कर लिया। आरव इधर देख, कैसा रिजल्ट आएगा बेटा? अच्छा आएगा पक्का? चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा, अभी बताएंगे हम आपको आरव का रिजल्ट कैसा आएगा। पर आरव को टेंशन हो रही है इसलिए आरव ऐसे इतना बोलता हुआ चलता है गाड़ी में। अब देखो कैसे पीछे बैठा है, कोई बात नहीं। आरव रिजल्ट लाने के बाद हम आरव यानी सामान भी लाना है शाम के बर्थडे के लिए, इसके केक वगैरह, डेकोरेशन का सामान, सब्जी वगैरह, तो वो भी अभी लेते हुए जाएंगे हम। तो मिलते हैं आपसे आरव के रिजल्ट लेने के बाद। बाय। सो गाइस, आरव का रिजल्ट आ गया, अच्छा आरव का रिजल्ट अच्छा आया है, तो अब आरव खुश है। वरना आरव आने से पहले डर रहा था कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, देख भी नहीं रहा था बस। तो अब जो हमें आरव के बर्थडे के लिए सामान लेना है वो लेते हैं, फिर सीधा घर निकलते हैं और आरव की बर्थडे की शाम की पार्टी की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आरव का सामान, नोनू को टॉय लेना है पर टॉय नहीं मिलेगा, नोनू का बर्थडे नहीं है, भाई का बर्थडे है, ठीक है ना। अब आरव की शॉपिंग करते हैं, तो अब सामान लेते हैं जो जरूरी है घर के लिए, खाने वाने का और बाकी स्नैक्स स्नैक्स। तो मिलते हैं आपसे शाम को। Hour later. So guys, हम आ गए हैं घर शॉपिंग करके आरव के लिए, यानी शाम के लिए जो जो लाना था। अब थोड़ी देर में सब आने शुरू हो जाएंगे बच्चे, पहले जो आरव के फ्रेंड है शाम को उनके साथ बनाएंगे, फिर सब घर के इकट्ठे हो जाएंगे। तो आरव का बर्थडे आज सेलिब्रेट करेंगे, मस्ती करेंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद जब आरव का बर्थडे स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, डेकोरेशन हो गई है आरव के बर्थडे के लिए, निक्की ने डेकोरेशन कर ली है, खाना भी रेडी हो गया। बच्चों के लिए तो खाना नहीं खाएंगे, वो तो कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स और बर्गर खाएंगे, और बाकी जो बड़े हैं उन सब के लिए खाना रेडी हो गया। तो अब बस थोड़ी देर में बच्चे आएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। तो पहले बच्चों के साथ आरव केक कटिंग करेगा और उनके साथ पार्टी करेगा, डांस करेगा, और फिर हम बड़े हो जाएंगे, फिर हम सब बड़े बच्चे डांस करेंगे, पार्टी करेंगे और खाएंगे छोटे बच्चों की पार्टी के बाद। तो मिलते हैं जब आरव के फ्रेंड्स आते हैं तब मिलेंगे। अब आरव रेडी भी होएगा क्योंकि आरव ने कपड़े चेंज करनी है, तो आरव को रेडी कर लेते हैं हम, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे तो ये रेडी नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं आरव को रेडी करके, जब बच्चे आएंगे तब वीडियो बनाएंगे, तब व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, और फिर जब बड़े बच्चे आएंगे तब व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, आरव के फ्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं। आरव इससे नहीं चलेगा, नानी को बुला ले, नानी के फोन से चला लियो। हेलो, आरव के फ्रेंड्स आने शुरू हो गए हैं।
ये देखो ये सबसे जल्दी आने वाले लोग हैं, इन्हें पूरी पैक करवानी है इसलिए जल्दी आए हैं। तो गाइस देखो नोनू तैयार हो गया, नोनू लग रहा है स्मार्ट। नोनू ने शर्ट के बटन बंद नहीं करे हैं, उसने टी शर्ट पहन के खोल के रखेगा। बोल दो कुछ, ऐसे क्यों चुप बैठे हो, शर्मा रहे हो आप तो? क्यों इसमें डराने वाली क्या बात है भाई? यार दोनों ही चुप हो गए, तुम ऐसे साइलेंट मोड में हो, तुम्हारे सामने कुछ ऐसे कर दिया हो कि तुम डर गए हो। ऐसे नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? ये आदमी बड़े शर्माते हैं, तो ये है ना वीडियो से, ये वीडियो से देखो इतनी इतनी दूर रहते हैं, जितना कैमरा इनकी तरफ चलता है इनका मुंह दूसरी तरफ को हो जाता है। हाँ ये देखो कैमरे में कितनी पावर है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है। आप ऐसे शर्मा सी क्यों बैठे हो? क्यों नहीं बनाऊंगा, डालूंगा भी। तेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, तेरे पति की वीडियो बना रहे हो मैं। ये देखो कितनी साइड दे रही है। और क्या? चल कोई बात नहीं। नोनू देखो, नोनू ऐसे बड़ा तो व्लॉगिंग नोनू करता है, नोनू तो बोलेगा एकदम से हेलो गाइस। ये देखो गाइस ये गुस्सा है। बच्चों की पार्टी स्टार्ट। पार्टी स्टार्ट। और नहीं आए बच्चे? अच्छा पापा फोन देखते हैं, पापा चेंज करके आए, कुर्ता पजामा पहन के आए हैं। नोनू बर्गर नहीं खाना? बर्गर खाना है? देखो सब खा रहे हैं, आप भी आ जाओ। सो गाइस इस वीडियो में हमने म्यूज़िक नहीं दिया, क्योंकि इसलिए नहीं दिया, बच्चे डांस कर रहे हैं, क्योंकि मेरी है ना कई वीडियो पे ना कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा म्यूज़िक डाल देते। तो मैंने यही चीज़ सीखी कि कॉपीराइट आता तो अच्छा नहीं होता। जैसे बच्चों ने बहुत मस्ती करी, आप देख रहे हो ये बच्ची नाच रही है, ये हमारे पड़ोस में ही है, यानी कि बिल्कुल घर के पास ही है ये, और बहुत अच्छा डांस करती है। तो इसका म्यूज़िक मैंने डाला नहीं, और ये अपने गाने पर, इसके अपने फेवरेट गाने पर डांस कर रही थी, तो इसलिए मैं ना म्यूज़िक डाल नहीं पाए उसमें, क्योंकि फिर मेरे को पता था गाना चलते ही कॉपीराइट आ जाएगा। अब थोड़ी देर बाद इसकी मम्मी डांस करेगी आरव की, तो फिर आपको वो दिखाते हैं, पर उसमें ही म्यूज़िक नहीं डालेंगे, क्योंकि म्यूज़िक डालने से ना वही कॉपीराइट का मैटर थोड़ा सा ना वो होता है, कितनी वीडियो पे आता। देखो आ गई, ये देखो आपने देख लिया होगा, वो सामने आ गई। इसके गाने में वही, इसने वही हमारे हरियाणवी गाने पर डांस करा था, पर उसमें हम म्यूज़िक नहीं डाल सकते, क्योंकि म्यूज़िक डालते ही ना वीडियो फिर कॉपीराइट पर आ जाएगी, तो इसलिए म्यूज़िक नहीं डाल रहे। पर बच्चों ने ना इतनी मस्ती करी है भाई, आप सोच नहीं सकते, आतंक डाल दिया था घर में, सब कुछ सोफे वोफे तैश नैश सब कर दिए थे। पर ये डांस कर रहे हैं, इसकी मस्ती की वीडियो, बाकी आपसे मिलते हैं अब थोड़ी देर में। सो गाइज इस वीडियो में भी हम आपका ना म्यूज़िक, यानी कि पीछे से बोल नहीं रहे, क्योंकि पीछे ना म्यूज़िक चल रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे। ये आरव का केक है, और आरव की मौसी आएंगी अब, ये है ना खुशी है, ये चंचल है, और ये है कृषि, ये आरव की मौसी हैं तीनों। अब देखो ये है ना खुशी बकरी थी, यूँ करती मेरे को मत दिखाओ जीजू, पर हम दिखाएंगे, ये तीनों है ना इसकी मौसी हैं। देखो देखो कैसे बच रही हैं तीनों, शर्मा रही हैं। चलो सो गाइस आरव के बर्थडे पे ना हर साल उसके दादा दादी ही केक कटवाते हैं, 7 साल से 7, यानी उसका 7th बर्थडे था, और आदू के भी बर्थडे पे वही कटवाते हैं, तो मेरे को ना शर्म लगती है, तो यही लोग कटवाते हैं। वैसे पापा भी ना बहुत ज़्यादा शर्माते हैं हमारे, वो भी केक कटवाने, यानी किसी उसमें फ़ोटो में आना पसंद नहीं करते, इन्हें ना ज़बरदस्ती खिंचवानी पड़ती हैं, आप देख लोगे वीडियो में। वैसे भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसका केक कटिंग करवाई है और फ़ोटो खिंचवाई है, एक फ़ोटो मैं आप। अब इसकी मौसी आएगी, वो कंधा मारेगी, और वो चंचल है, ये देखो आपने देख लिया ना। अब इसके नानू नानी आएंगे, वो फ़ोटो खिंचाएंगे हमारे, यानी कि इसके नानू को बहुत शौक है फ़ोटो खिंचाने का। अब ये नानू नानी के बाद है ना इसकी मौसी और मौसा आ गए हैं, और ये है हमारी मोगो, इन दोनों भाइयों की बहन, ये इसके मामा की बेटी है, इन दोनों की बहन यानी कि आई है। अभी देखो ये तीनों भाई बहन हो गए हैं, ये हो गए इसके मौसा मौसी, मौसा इसका बहुत शर्माता है, फोटो में देखा होगा वीडियो है ना। ये इसका मामा है अंकित, कंस मामा, जिससे आदू बहुत परेशान रहता है। ये इसकी मौसी है, राइट साइड लो चंचल, कृषि और वो खुशी, ये तीनों बहुत शर्मा रही थी, ये फ़ोटो खिंचवाने को तैयार नहीं थी, आपने देख लिया होगा खुशी को भी। अब भी ये मैं आ गया, और फिर निक्की आ गई, और आरव आदू और मोगो, तीनों बच्चे भाई बहन, ये तीनों हो गए।
ये हमने फोटो खिंचवाना है, अपना लंबा टाइम इसलिए डाला है कि हम है ना पार्टी थ्रोअर थे, तो इसलिए हम थोड़ा लंबा आ रहे हैं। केक कटिंग के बाद ना हम बैठे थे, और ये देखो है ना आरव का मोसा भग रहा है भाई। इस आदमी को ना कैमरा देखते ना ऐसा भगता है जिसकी वजह से चिंकी भी इतनी कलस्ती है। चिंकी यारी जाने दो, कोई मतलब नहीं इनसे, भगाओ इन्हें, देखो ये गरीब भगाओ इन्हें। A few moments later, मोसा को भगाने के बाद है ना ये आरव के गिफ्ट ओपनिंग चल रही थी, तो बातें करते करते ऐसे ही हुआ कि मेरे बर्थडे पे क्या होता था, मेरे बर्थडे पे क्या होता था। तो मैंने बताया कि जैसे मेरा बर्थडे होता था ना गिफ्ट आता था, जैसे हम गाजियाबाद रहते थे वहाँ से कॉलोनी से गिफ्ट आते थे, तो हमारी मम्मी यही कहती थी सारे मत खोल ये आगे चल जाएगा, यानी कि गिफ्ट को आगे वो कर देंगे कि दूसरे को दे देंगे, तो इसे ओपन मत कर ये गिफ्ट चल जाएगा, यानी कि इसको बेकार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बैठ के हमारी यही बात हो रही थी कि गिफ्ट सारे मत खोलो वो आगे चल जाएगा। पर आरव को तो देखो थोड़ी दिक्कत थी, आरव तो सारे गिफ्ट खोलेगा, हम तो डर जाते थे क्यों हमारी मम्मी हमारे में ना धमाके बजाती थी अगर हम सारे खोलते हैं। ये इसका मामा भी यही कह रहा है यहाँ पे कि सारे खोलो आरव को, और मैं मना कर रहा हूँ, मैं सारे मत खोल चल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत। अरे इसकी दादी भी उधर से कह रही है, मैंने यही बात करी थी, मैंने कहा मम्मी यहाँ पे तो है ना खुलेंगे, तो हमारी मम्मी यही कह रही थी, कह रहे रहने तो आगे चल जाएंगे, सेम बात कही थी जो मेरे से कहती थी मेरे जब छोटा था। इसके मामा ने उठाया इसका लंच बॉक्स, ये देखो इसकी अब दादी को दिखा रहा हूँ मैं, इसी वजह से दिखा रहा हूँ मैं, यही सेम बात चल रही थी। सो गाइस ये कपड़े लेके आया है गोनू, ये जीन्स और शर्ट, और ये आई थी, इसने आते ही सबसे पहले दो बर्गर दो सैंडविच और बाकी कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद खाना खाया और कोई बात नहीं खाना खाया है, और गिफ्ट के तौर पे ये स्लाइम लाइक आई है बस खा लिया, कुछ नहीं लेगा ये। हाँ और ये देखो ये इनके साथ पे लेके आने में चलो वेबसाइट चलो भाई। सो गाइस व्लॉग का करते हैं एंड, पूरा दिन हो गया बहुत मस्ती करते हुए, आरव का बर्थडे बन चुका, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबा देना। बाय बाय। Yeah.